एक भानपुर नाम के गांव में एक रामू नाम का गरीब किसान रहा करता था। आज रामू के बेटे का नामकरण था। बाबा जी, ये तो आप ही का आशीर्वाद है कि हमारे घर एक संतान ने जन्म लिया है। ये लीजिए बाबा जी, इसका नामकरण कर दीजिए। बाबा जी रामू के बेटे को गोद में लेते हैं और देखते हैं उसके हाथ में एक चिन्ह है जो राजयोग को दर्शाता है। अरे बाबा जी, क्या हुआ, आप इसे देखकर इतने हैरान क्यों हो गए? अरे रामू, तुम्हारा बेटा तो बड़ा ही भाग्यशाली है। इसके भाग्य में 15 वर्ष की उम्र में ही राजयोग लिखा है। क्या बाबा जी, सच में हमारा बेटा इतना भाग्यशाली है? हाँ बेटा, मैं सच कह रहा हूँ। रामू के घर के सामने से ही राजा मानसिंह का मंत्री गुजर रहा था। अरे भाई, इस घर के सामने इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? अरे भाई, तुम्हें नहीं पता क्या, रामू के घर एक भाग्यशाली पुत्र ने जन्म लिया है। भाग्यशाली? मैं कुछ समझा नहीं। अरे वो मेरा मतलब है कि उस बालक के भाग्य में 15 साल की उम्र में ही राजयोग है। क्या तुम सच कह रहे हो? अगर ये बात सच है तो मुझे ये बात जल्दी ही महाराज को बतानी होगी। फिर मंत्री राजा के महल जाकर सारी बात राजा को बता देता है। अगर मंत्री जी तुम्हारी बात सही है तो हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। मैं नहीं चाहता कि एक भिखारी का बेटा हमारी राजगद्दी पर बैठे। मंत्री जी, कल सुबह होते ही आप उस गांव में जाकर उस बच्चे को हमारे सामने लेकर आइए। जी महाराज, जैसा आप कहते हैं। फिर अगले दिन मंत्री रामू के घर जाता है। अरे रामू, ओ रामू, जरा बाहर तो आना। क्या हुआ भाई, और तुम कौन हो? रामू, मेरा नाम करोड़ी मल है और मैं यहाँ तुम्हारे बेटे को गोद लेने आया हूँ। ये क्या कह रहे हो, मैं तुम्हें अपने बेटे को नहीं दे सकता। रामू, मेरी बात मानो, तुम अपने बेटे की परवरिश ठीक से नहीं कर सकते। मेरे पास अपार धन है, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। ठीक है, पर मुझे एक बार अपनी पत्नी रमा से पूछना होगा। ठीक है, फिर मैं अगले दिन आऊंगा। वह सेठ वहां से चला जाता है और रामू अपनी सारी बात अपनी पत्नी रमा को बता देता है। ये क्या कह रहे हो आप, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। रमा, बात मानो, हम इसकी परवरिश अपने घर नहीं कर सकते, हम बहुत गरीब हैं। चलो ठीक है, पर सेठ जी से कह देना कि 15 साल बाद हमारा बेटा हमें लौटा दे। ठीक है रमा, कह दूंगा। अगले दिन मंत्री रामू के घर आता है। रामू, ओ रामू, अब मैं आ गया हूँ, मुझे अपना बेटा दे दो। ठीक है सेठ जी, परंतु 15 साल बाद हमारा बेटा हमको वापस कर देना। हाँ ठीक है रामू, मैं 15 वर्ष बाद तुम्हारा बेटा तुम्हें दे दूंगा। फिर मंत्री बच्चे को लेकर वहां से चला जाता है। मंत्री चलता चलता एक नदी के पास पहुंचता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, इस नादान बालक को मारने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। एक काम करता हूं, इसे नदी में बहा देता हूं, कुछ देर बाद ये खुद डूबकर मर जाएगा।
दूसरे गांव में रामलाल नाम का सेठ नदी के किनारे पूजा कर रहा था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी और वो रोजाना ही नदी के किनारे आकर पूजा किया करता था। तभी वह बालक बहता हुआ उसी सेठ के पास आता है। अरे ये किसका बालक है? हे भगवान, पता नहीं किस निर्दयी माँ बाप ने अपने पुत्र को यूं ही नदी में फेंक दिया। एक काम करता हूँ, इस बालक को मैं अपने घर ले जाता हूँ। फिर रामलाल उस बालक को लेकर अपने घर चला जाता है। अरे सुरेखा, ओ सुरेखा, जरा इधर तो आओ। अरे क्या हुआ जी, क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हो और ये किसका बच्चा लेकर आए हो? अरे सुरेखा, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, पता नहीं किस निर्दयी माँ बाप ने अपने इस नादान बालक को नदी में यूं ही बहा दिया। मैंने इसके माता पिता को कई जगह ढूंढा पर वो मुझे कहीं नहीं मिले, तो मैं इसे अपने घर ले आया। चलिए जी, आपने सही किया, वैसे भी हमारी कोई संतान नहीं है। वह सेठ उस बालक को अपने पास रख लेता है और उसका नाम विक्रम रखता है। ऐसे ही 15 वर्ष बीत जाते हैं और विक्रम 15 वर्ष का हो जाता है। एक बार राजा मानसिंह किसी काम के सिलसिले से बाहर जा रहे थे और उनकी नजर विक्रम पर पड़ती है। अरे वाह, कितना सुंदर बालक है और ज्ञानी भी लगता है। वैसे भी मैं अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर ढूंढ ही रहा हूँ, क्यों ना मैं इसके पिताजी से ही बात कर लूँ। राजा मानसिंह रामलाल सेठ के घर जाता है। अरे कोई है, दरवाजा खोलो। अरे महाराज, आप यहाँ कैसे आना हुआ, मुझे ही बुला लिया होता। बस कुछ नहीं, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ महाराज, अंदर आइए। अरे रामलाल, क्या विक्रम तेरा ही बेटा है क्या? क्या विक्रम? अरे नहीं नहीं महाराज, वह मेरा बेटा नहीं है। 15 वर्ष पहले वह मुझे एक नदी में मिला था, तो मैं उसे अपने घर ले आया। क्या, नदी में मिला था? मुझे लगता है ये वही बालक है जिसे मैंने मंत्री से कहकर गंगा में बहा दिया था। अरे महाराज, किस सोच में डूब गए? मैं किसी काम से बाहर जा रहा था। क्या तुम अपने बेटे से कहकर मेरा एक पत्र रानी तक पहुंचवा दोगे? हाँ महाराज, जरूर, मैं अभी कहकर अपने बेटे विक्रम से आपका पत्र महारानी तक पहुंचवाता हूँ। महाराज एक पत्र लिखते हैं और पत्र को लिखकर विक्रम को दे देते हैं और विक्रम पत्र को लेकर महल के लिए निकल जाता है। विक्रम को चलते चलते श्याम हो जाती है और उसे जंगल में एक झोपड़ी दिखाई देती है। शाम होने वाली है, अगर मैं ज्यादा देर तक चलता रहा तो कोई जंगली जानवर मुझे खा जाएगा। एक काम करता हूँ, इस झोपड़ी के अंदर चला जाता हूँ। अरे कौन हो बेटा और कहाँ घुसे चले आ रहे हो? अरे माँ जी, मेरा नाम विक्रम है और मैं महाराज का एक संदेश लेकर महल जा रहा था और मुझे चलते चलते शाम हो गई है। अगर मैं ज्यादा देर तक चलता रहा तो कोई जंगली जानवर मुझे खा जाएगा, इसीलिए मुझे एक रात यहीं रहने दीजिए, मैं कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊँगा। ठीक है बेटा, तू आज रात के लिए यहाँ रह सकता है। आधी रात हो जाती है और वह बूढ़ी औरत विक्रम का संदेश पढ़ने लगती है जिसमें लिखा था, महारानी जिसके हाथों मैं पत्र भेज रहा हूँ उसे मेरे आने से पहले ही मारकर दफना देना। हे भगवान, कैसा निर्दयी राजा है जिसके हाथों पत्र भेज रहा है उसी को मरवाना चाहता है। और वह बूढ़ी औरत अपने पत्र से राजा के पत्र को बदल देती है और जिसमें लिखती है कि महारानी जिसके हाथों मैं पत्र भेज रहा हूँ उसकी शादी अपनी पुत्री से करवा देना और यह कार्य मेरे आने से पहले ही हो जाना चाहिए। विक्रम
विक्रम सुबह होते ही उस बुढ़िया के पत्र को लेकर महल चला जाता है। महारानी जी, महाराज ने मेरे हाथों आपके लिए एक पत्र भेजा है। पत्र लाओ, वह पत्र मुझे दे दो। रानी उस पत्र को पढ़ती है और राजमोहर देखकर अपनी पुत्री की शादी विक्रम से करवा देती है। कई दिनों बाद राजा अपने महल वापस आते हैं और वहां देखते हैं कि विक्रम जीवित खड़ा हुआ होता है। अरे विक्रम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने ये शाही कपड़े क्यों पहने हैं? महाराज, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप ही ने तो संदेश भिजवाया था, विक्रम की शादी हमारी बेटी के साथ करवा दी जाए। ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने तो ऐसा नहीं लिखा है। जरूरी, इस बालक ने हमारे साथ छल किया है। मैंने जो पत्र लिखा था वो इसने रास्ते में ही बदल दिया है। नहीं महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कोई संदेशा नहीं बदला। मूर्ख, तुमने ये ठीक नहीं किया। तुमने हमारी पुत्री से छल से विवाह किया है और इसके लिए तुम्हें दंड जरूर देंगे। मंत्री जी, जाइए और इसके माँ बाप को बंदी बनाकर इस महल में लेकर आइए। महाराज, मैं विक्रम के माता पिता को सभा में ले आया हूँ। विक्रम, हम तुझे दो रास्ते देते हैं। यदि तू हमारी बेटी के साथ रहेगा तो मैं तुझे सारा राजपाट सब तुझे दे दूंगा, और यदि तू अपने माता पिता के साथ रहेगा तो मैं तुझे इस राज्य से ही निकाला दे दूंगा। अब फैसला तेरे हाथ में है, सोच ले। और हाँ, इसमें मेरी शर्त यह है कि यदि तू मेरी बेटी के साथ रहेगा तो मैं तेरे माता पिता को ही मार डालूंगा। महाराज, ये आपने मुझे कैसी दुविधा में डाल दिया है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? एक तरफ मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, और एक तरफ आपकी पुत्री है जिन्होंने अभी विवाह किया है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किसको चुनूं और किसको छोड़ूं। फिर भी मैं अपने माता पिता को ही चुनूंगा, भले ही आप मुझे मृत्यु दंड क्यों ना देने। तो ठीक है, तू अपने माता पिता को लेकर यहाँ से दूर चला जा, और हाँ, आइंदा मुझे नजर मत आना। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? अब वो जैसे भी हैं, मेरे पति हैं, और शायद यही मेरा भाग्य है। राजकुमारी जी, मुझे माफ करना, मेरे माता पिता को मेरी बहुत जरूरत है। मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। जिसके बाद विक्रम अपने माता पिता को लेकर दूर बस्ती में चला जाता है। मंत्री जी, अब हमारी पुत्री के लिए जल्द से जल्द एक रिश्ता देखो। महाराज, वह अपने पड़ोसी राज्य के वीर सिंह महाराज है ना, उनका पुत्र है ना, वह विवाह योग्य हैं, परंतु उनका मानसिक संतुलन थोड़ा खराब है। कोई बात नहीं मंत्री जी, हम अपनी बेटी के भाग्य को बदलने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। चाहे हम उसकी कुत्ते से शादी क्यों ना कर दें। ठीक है, तो कल सुबह होते ही हम उन महाराज से बात करने चलेंगे। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। अगले दिन राजा और मंत्री दोनों राजा वीर सिंह के महल जाते हैं अपनी पुत्री के विवाह के बारे में बात करने। हमें तो आपका पुत्र बहुत पसंद आया, हम तो कल ही अपनी पुत्री का विवाह आपके लड़के से करवा देंगे। महाराज देख लीजिए, हमारे पुत्र में कोई कमी नहीं है, परंतु वह दिमागी तौर से थोड़ा कमजोर है। अरे ये तो ऊपर वाली की देन है, हम तो फिर भी शादी करना चाहेंगे, बस आप हाँ बोल दीजिए। महाराज, आपकी पुत्री तो मान जाएगी ना? उनकी चिंता आप मत कीजिए, उनकी चिंता हम करेंगे। राजकुमारी आनंदी, कल आपका विवाह है, आप तैयार रहना। क्या पिताजी, आप मेरा दूसरा विवाह करवा रहे हैं? पिताजी,
ये आप सही नहीं कर रहे। यदि तुमने चुपचाप शादी नहीं की तो तुम कल मेरा मरा मूड देखोगी। मंत्री जी, कुछ ऐसा उपाय सोचिए, जब हम अपनी राजकुमारी का विवाह उससे करा रहे हो तो वो मंडप में पागलपन ना दे। यदि ऐसा हुआ तो फिर राज्य के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? हाँ महाराज, आपकी बात तो सही है, परंतु मेरे पास एक उपाय है। सुनिए महाराज, जब विवाह होगा तो हम उस राजा के पुत्र की जगह किसी दूसरे व्यक्ति को बैठा देंगे, जिससे राजा को भी शक नहीं होगा और प्रजा को भी पता नहीं चलेगा कि राजकुमारी का विवाह एक पागल से हुआ है। और विवाह होने के बाद हम उन दोनों को बदल देंगे। हाँ ठीक है मंत्री जी, जैसा आपको ठीक लगे कीजिए, बस हमें तो उस लड़के का भाग्य ही बदलना है, चाहे फिर हम कैसे भी बदले। फिर अगले दिन मंत्री जी सैनिकों से कहते हैं, तुम दोनों जाओ और इस राज्य का सबसे समझदार व्यक्ति मेरे पास लेकर आओ। जी मंत्री जी, हम अभी जाते हैं। अरे भाई, इतने बड़े राज्य में हमें सबसे समझदार व्यक्ति कहाँ मिलेगा, कहाँ ढूंढेंगे हम उन्हें? अरे भाई, सबसे समझदार तो मैं ही हूँ, पर मैं जा नहीं सकता। एक काम करते हैं, जो हमें सबसे पहले मिलेगा हम उसे ही राजमहल ले चलेंगे। और संयोग बस सैनिकों को सबसे पहले विक्रम ही मिल जाता है। सुन, जैसा हम कहते हैं वैसा ही कर, वरना हम तेरे माँ बाप को मार डालेंगे, ये राजा का आदेश है। वह दोनों विक्रम को बंदी बनाकर महल ले आते हैं और शादी के वक्त राजकुमार की जगह विक्रम को बिठा देते हैं। और कुछ ही देर बाद शादी संपन्न हो जाती है। देखा राजकुमारी, आखिर मैंने उसका भाग्य बदल ही दिया ना। तुम्हारी शादी हमने पड़ोसी राज्य के राजकुमार से करा दी, अब तुम अपने राजकुमार का चेहरा नहीं देखना चाहोगी। पिताजी, आपने मुझे जीते जी तो मार ही दिया है, अब मैं इसका चेहरा देखकर भी क्या करूंगी। सैनिकों, जरा इसका चेहरा तो दिखाओ। सैनिक जब चेहरा हटाते हैं तो देखते हैं उसमें विक्रम ही था, और यह देखकर महाराज चकित रह जाते हैं। अरे तुम यहाँ कैसे, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैंने तो तुम्हें मेरे सामने आने से मना किया था ना, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम फिर से मेरे पास आ गए। महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो जंगलों में लकड़ियाँ काटने जा रहा था, आपके ही ये दोनों सैनिक मुझे यहाँ पकड़ कर ले आए और कहा कि यदि मैं उनके साथ नहीं गया तो वह मेरे माँ बाप को मार डालेंगे। महाराज, अब तो आपने ही राजकुमारी का विवाह मुझसे करवाया है। हाँ विक्रम, मैं तुम्हारे भाग्य को नहीं बदल पाया, मुझे माफ कर दो, आखिर होता वही है जो भगवान लिख देता है, हम कितनी भी कोशिश कर लें किंतु अपने भाग्य को नहीं बदल सकते। बेटी, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी जिंदगी से खिलवाड़ करने की कोशिश की है। यदि मैं आपका विवाह उस पागल से करा देता तो आप जिंदगी भर मुझे ही कोसती रहती। चलो, भगवान ने कम से कम मेरी लाश तो रखी और इस पाप होने से मुझे बचाया है, मैं अपनी गलतियों से बहुत शर्मसार हूँ। इसीलिए बेटा विक्रम, अब से राजपाट तुम ही संभालो।